सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जहां हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कौन कर रहा है। एसआईटी के हाथ हत्याकांड की जांच, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरभंगा पुलिस हत्याकांड की जांच में इस वक्त जुटी है। आपको ये जानकारी दे दें कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, यानी कि काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी के हाथ इसलिए हम कह रहे हैं कि हत्याकांड की जांच, लेकिन हर एंगल से जांच पड़ताल होगी। दरभंगा में क्या हुआ यह बखूबी जानते हैं, लेकिन काम्या मिश्रा, देखिए सिंघम लेडी काम्या मिश्रा को कहा जाता है, और अब कैसे जांच पड़ताल करेंगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस वक्त आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप तस्वीरें, आपको तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, स्थानीय लोग जानकारी देते हैं और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है, एसआईटी जांच शुरू करती है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, डॉग स्क्वाड वहां पर मौजूद है, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, आसपास के लोगों से पूछ रही है कि क्या पुरानी कोई रंजिश थी, कोई अन्य कारण था। देखिए सबसे बड़ी बात कि कारोबारी है ये, इस एंगल से भी जांच पड़ताल हो रही है, क्या चोरी तो नहीं हुई थी, चोरी के मकसद से चोर तो नहीं घुसे थे और उसके बाद हमला किया होगा, तो इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि काम्या जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, एसआईटी उनके नेतृत्व में काम करेगी, वो क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंडिया टीवी में किए हुए निशान है, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैबिंग के निशान। मैडम एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या क्या लग रहा है, वो कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है, जी जी बिल्कुल कड़ी हो सकता है, वहाँ पे भी उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट हम देख रहे हैं, एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा लें, हर जगह के फिंगरप्रिंट वगैरह ऐसे कलेक्ट कर रही है, जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगता है। इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है, मैं की चोरी हुई है ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ तरीके कोई औजार औजार मैडम बरामद हुआ गया, कोई औजार से बरामद हुआ है वहाँ से? नहीं अभी तक। तो काम्या मिश्रा को फिलहाल आप सुन रहे थे, एक्शन मोड में इस वक्त पुलिस नजर आ रही, बिहार पुलिस के एडीजी ने भी बयान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे सुबह सवेरे लोग उनके घर पे गए, उन्होंने देखा कि अचानक से चारों तरफ खून के धब्बे हैं, लोगों ने ये देखा कि उनका जो शव है शत विशत हालत में है, जो भी तस्वीर को देख रहा था सभी दंग थे। आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और शक की सुई किसकी तरफ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बिहार का दरभंगा मंगलवार सुबह सनसनीखेज एक कत्ल की खबर से दहल उठा। हत्या हाई प्रोफाइल शख्स के पिता की हुई थी। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से उनके घर में ही घुसकर हत्या कर दी गई। बीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव जिस हालत में बरामद हुआ उसे देख जांच कर रही पुलिस भी हैरान परेशान रह गई। बिहार पुलिस की माने तो जीतन सहनी का शव शत विक्षत हालत में बरामद हुआ। गांव वालों के मुताबिक जीतन सहनी की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि पेट से आते और चेहरे से आंखें बाहर आ गई। शव की तस्वीर भी सामने आई जो काफी भयावह है। जीतन सहनी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान थे। जो भी इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देख रहा है वो यही सोच रहा है कि इतनी बुरी तरह से हत्या के पीछे की आखिर वजह क्या हो सकती है। जो बाहर फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तुरंत जल्दी से जल्दी उनका हम लोग उद्धार करेंगे। जीतन सहनी का दरभंगा के सुपोल बाजार की अफजला पंचायत में घर है। बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। जीतन सहनी का खुद का मछली का कारोबार था। मुकेश सहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है, उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन की हमलावरों ने निर्मम तरीके से हत्या की, शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला किया और इस पर अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। हमारा जो टेक्निकल टीम है वो भी सीसीटीवी फुटेज चेक करना, मोबाइल का
सीवियर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर जो सस्पेक्ट मिल रहा है उनका भी हम उसी बात कर रहे हैं। बारी बारी के सभी में हर एंगल हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो हत्या जो किया गया है चाकू से बात करके किया गया है। तो मिला घर पर मिला बाहर जो एक बक्सा मिला है जो पानी पका रहे थे, तो हम लोग हर एंगल पर हर बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जिस कमरे में सो रहे थे वहीं उन पर हमला किया गया। वारदात के बाद कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। यहां मुकेश सहनी का पैतृक आवास है लेकिन सहनी के पिता आलीशान घर को छोड़कर जर्जर घर में अकेले ही रह रहे थे। सभी राजनीतिक दलों के नेता इस भयावह हत्याकांड की निंदा कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुरुआती जाँच में पता चला है कि उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला। इस लिहाज से पुलिस का मानना है कि चोरी का विरोध करने पर जीतन सहनी का मर्डर किए जाने की संभावना है। हालांकि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी प्रमुख काम्या मिश्रा के नेतृत्व में टीम जीतन सहनी के हत्याकांड की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि क्या कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि दरभंगा टू पटना इस वक्त एक्शन में एसआईटी नजर आ रही है। आपको दो तस्वीरें अब हम दिखाएंगे, वारदात की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और दूसरे हत्याकांड की जांच तेज हो रही है। बिरौली इलाके की वारदात आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर डॉग स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, टीम नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, एफएसएल की टीम नजर आ रही है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्लर की गई है क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती है आपको। इतनी बार हमला किया गया, हमलावर ने चाकू से गोद डाला, पेट में चाकू, गर्दन पे चाकू और इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हत्याकांड की जांच इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। ये ग्राउंड से सीधी तस्वीर क्योंकि रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है और इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। दरभंगा से हमारे संवाददाता देखिए प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, किस एंगल से जांच की जा रही है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए इसमें चार लोगों को डिटेन किया गया है अभी तक और उसने पूछताछ जारी है, जो कि जीतन सहनी इसी घर में थे कल रात में और यहाँ पर तीन चार लोग आए थे और ये अंदर से ये दरवाज़ा बोल्ट था और जब सुबह में कोई व्यक्ति फूल देने आया तब पता चला कि बोल्ट है। उसके बाद पीछे से खोला गया तो देखा गया कि जीतन सहनी की छत विछत लाश पड़ी हुई है टुकड़ों टुकड़ों में, बेरहमी से उनको काट काट कर मार दिया गया। अब ये किसके पीछे कौन लोग हैं, चार लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी डिटेंशन हो चुकी है, पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। अब पुलिस जो कह रही है उसमें कि पहली बात ये कि चोरी करने के लिए लोग आए थे, दूसरी बात वो सूद पर पैसा चलाते थे सूद ब्याज पर, तीसरी बात कि ज़मीन का विवाद भी हो सकता है, इस सारे एंगल पर जाँच हो रही है। लेकिन जो हमने जीतन सहनी के साले और उनके मामा से बात हुई, मुकेश सहनी के मामा से शंभू सहनी से, तो वो कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चार लोग हमेशा आते जाते थे उनके यहाँ पर और उनका शक है कि वही चार लोगों ने काट काट कर मार डाला है बेरहमी से कसाई की तरह। अब ये कौन लोग हैं, इन पर जांच पड़ताल इनके खिलाफ जारी है। संभवतः डीआईजी ने कहा है कि जल्द से जल्द पर्दाफाश हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि कल मुहर्रम का समय है इसीलिए एसटीएफ की गश्ती यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई विधि व्यवस्था का सवाल न खड़ा हो। और मुकेश सहनी जो कि बम्बई से चलकर पटना आ चुके हैं, दरभंगा के रास्ते में हैं, जैसे ही वो आएंगे यहाँ पर पीछे में उनका घर है, घर के पीछे वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पिता का। अब नीतीश कुमार और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुकेश सहनी से बात की है, राजनीतिक प्रतिवाद चल रही हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल जिस बेरहमी से पिटाई की गई है कानून व्यवस्था पर एक सवाल उठता है कि कैसे लोग अब बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गए हैं एक तरीके से कहा जाए कि किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और जिस तरीके से बेरहमी से काट कर मारा गया है। कोई खौफ पुलिस का नहीं रहा, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। प्रकाश जी ने अपडेट आपको दिया, चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए